राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे अचार 19 देसी रसोई में। आज हम लेके आए हैं मखाना रेसिपी, जिसे व्रत वाले और बिना व्रत वाले भी छोटे बड़े सभी खा सकते हैं। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट है और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो इसलिए बच्चों को कुरकुरे और आलू चिप्स की बजाय नमकीन मखाना बनाकर खिलाएं। ये मैंने 250 ग्राम मखाने लिए हैं, जिनको 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है, जिससे मखाने की सारी नमी ख़त्म हो गई है। अब इनके लिए मसाला तैयार करते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे और 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। अगर आप व्रत के लिए करते हैं तो सेंधा नमक डालें, नहीं तो आप काला नमक भी डाल सकते हैं। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें 2 बड़ी चम्मच देसी घी डाल देंगे। इन्हें आप सुबह शाम या फिर रात में हल्का डिनर करना हो तो 1 कटोरी भर के खा लें। अब घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया, मसाला डाल देंगे और मसाले को 1 मिनट तक भून लेंगे। मसाला भून गया है, अब ये रोस्ट मखाना डाल देंगे। गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और 2 मिनट तक और पकाएंगे। इन मखानों को हम सफ़र में या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। मखाने बनके तैयार हैं, अब किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इनको ठंडा होने देंगे। इन्हें आप 1 से 2 महीने तक स्टोर रख सकते हैं किसी एयर टाइट डिब्बे में डालकर। जब भी हल्की फुल्की भूख हो तो 1 कटोरी निकाल कर खा लें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।